Good morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are the student? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 1, building around us. So student, ये chapter आपकी EVS के SST portion का chapter 1 है, जिसका name है buildings around us. So student, हम अपने आसपास buildings देखते हैं. आपने देखी होगी school की building, post office, police stations, है ना? और चीज भी हो, और buildings भी हो. आज उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Okay? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग. आप मेरे संग रीडिंग करेंगे और समझेंगे. ओके स्टूडेंट, तो यू आर क्वाइट फैमिलियर विद द बिल्डिंग ऑफ हाउसेस एंड शॉप्स. तो स्टूडेंट्स, हम सभी अच्छे से जानते हैं अलग अलग हाउसेस हैं हमारे आसपास, शॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं. यू आर ऑफ कर्स फैमिली विद द स्कूल बिल्डिंग टू. और हम बहुत अच्छे से अपने स्कूल की बिल्डिंग से वाकिफ हैं. हम पता है कि स्कूल की बिल्डिंग्स हैं अलग अलग. इन दिस लेसन यू शॉल रीड अबाउट सम बिल्डिंग इंक्लूडिंग योर स्कूल. इस चैप्टर में हम बेटा अलग अलग बिल्डिंग्स के बारे में, कुछ बिल्डिंग्सों के बारे में पढ़ेंगे. और जैसे हमारे स्कूल की बिल्डिंग विच सर्व द सोसाइटी इन डिफरेंट वेज, जो अपने सोसाइटी को, समाज को अपनी जो सर्विस, अपनी सेवा अलग तरीके से देता है. दिस बिल्डिंग्स हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस बिकॉज दे लुक आफ्टर अवर वेलफेयर एंड मैनी ऑफ योर डे टू डे नीड्स. तो बेटा ये अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, स्पेशल इंपॉर्टेंस है. ये सभी अपने हमारी जो हमारी डे टू डे नीड्स को पूरा करते हैं, हमारी वेलफेयर करते हैं. ओके, तो पढ़ते अलग. फर्स्ट बिल्डिंग है हमारी द स्कूल. ओके, अ मॉडर्न स्कूल बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ क्लासरूम, अ लाइब्रेरी, ऑफिस और द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, गेम्स रूम्स एंड लैब्स. बिसाइड इट हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, लॉन्स एंड ऑडिटोरियम. स्कूल्स आर कॉल्ड द टेम्पल ऑफ लर्निंग. तो बेटा हम सबसे पहले बिल्डिंग हम किसकी पढ़ेंगे, स्कूल की, मतलब स्कूल के बारे में पढ़ेंगे. तो बेटा जो स्कूल की बिल्डिंग है वो किससे, क्या क्या है उसके अंदर, क्या किससे बनी होती है. उसमें क्लासरूम्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, स्टाफ रूम्स होता है, गेम रूम होता है, लैब्स होती हैं, है ना. इसके अंदर बिग प्ले ग्राउंड होता है, लॉन होता है, ऑडिटोरियम होता है ना. ऑडिटोरियम मतलब जहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मतलब फंक्शन होता है तो सब बैठते हैं. जो स्कूल होता है उसे क्या बोलते हैं, टेम्पल ऑफ लर्निंग. मतलब क्या, एक मंदिर है, सीखने का एक मंदिर है, जहाँ ऐसा मंदिर जहाँ हम जाएंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ओके स्टूडेंट, अब है हमारे रोल ऑफ स्कूल. अब हम स्कूल के रोल्स पढ़ेंगे कि जो स्कूल है वो हमारी लाइफ में क्या क्या रोल करता है. ओके, उसकी क्या महत्व है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है स्कूल गिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ अ नेशन. जो स्कूल है वो बच्चों को क्या देता है, शिक्षा देता है. मतलब हमारे देश के बच्चों को क्या देता है, एजुकेशन देता है, शिक्षा देता है. सेकेंड पॉइंट है चिल्ड्रन लर्न द लेसन ऑफ डिसिप्लिन, ऑबिडेंस एंड कॉपरेशन इन अ स्कूल. जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो स्कूल आते हैं, वो स्कूल में डिसिप्लिन सीखते हैं, ऑबिडेंस सीखते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं. ये सारी चीज़ें बच्चे स्कूल में आके सीखते हैं. ओके बेटा, थर्ड पॉइंट है द ट्रेड्स ऑफ हार्ड वर्क, कॉम्पिटिशंस, कंप्राइजिंग्स एंड लव्स आर इनकैलकुलेटेड इन चिल्ड्रन इन अ स्कूल. तो बेटा स्कूल में आके बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने हार्ड वर्क करना सीखते हैं, कॉम्पिटिशंस करते हैं, एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करना सीखते हैं. ये सब क्या करते हैं, बच्चे स्कूल में आके सीखते हैं. फोर्थ पॉइंट है हमारा स्कूल ब्रिंग्स टुगेदर चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड दस हेल्प टू रिमूव द डिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर एंड मनी. तो बेटा जो स्कूल में बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, स्कूल में आके बच्चे सीखते हैं कि सभी लोग कैसे, सभी कास्ट के लोग कैसे एक जैसे होते हैं, सभी कलर के लोग एक जैसे होते हैं, मनी सभी के पास एक जैसी होनी चाहिए. मतलब स्कूल में आके सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई भी बच्चा अलग नहीं होता. आपने देखा होगा स्कूल में सभी लोग अपनी स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं. क्यों पहन के आते हैं स्कूल ड्रेस, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे दिखे, कोई भी ऐसा नहीं दिखे कि ये रिच है, ये पुअर है, सभी बच्चे एक समान दिखे. इसलिए स्कूल में क्या अलाउ की गई है, ड्रेस अलाउ की गई है. ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं द पोस्ट ऑफिस के बारे में. द पोस्ट ऑफिस, पीपल हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू सेंड मैसेजेस. और हमेशा लोग मतलब मैसेज सेंड करना चाहते हैं. दे हैव ऑल्सो वॉन्ट अ प्लेस टू डिपॉजिट देयर सेविंग. और लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें एक जगह ऐसी हो जहाँ वो अपनी सेविंग्स, अपने पैसे डिपॉजिट कर सकें. पोस्ट ऑफिस इज द बिल्डिंग विच प्रोवाइड बोथ द एवो फैसिलिटीज़. और तो पोस्ट ऑफिस एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ ये दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. कौन कौन सी फैसिलिटीज़, अपने कहाँ कहीं भी दूर अपने रिलेटिव्स या किसी को भी मैसेज सेंड करने के लिए, और क्या करने के लिए, अपने डिपॉजिट करने के लिए. ये फैसिलिटीज़ कौन देता है, पोस्ट ऑफिस देता है. ओके स्टूडेंट,
अब है रोल ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो फर्स्ट पॉइंट है इनसाइड अ पोस्ट ऑफिस द पोस्टमैन शॉर्ट आउट द इनकमिंग लेटर्स पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव एरियाज ऑफ डिलीवरी। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर आप जाके अपनी चिट्ठी डालते हैं, अपने मैसेज डालते हैं, अपने डिपॉजिट कराते हैं। तो जब आप अपनी चिट्ठी अपने मैसेजेस डालते हैं तो जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, जो लेटर्स आते हैं उनको क्या करता है, शॉर्ट करता है पार्सल्स और मनी को ऑर्डर। वो क्या करता है, जहाँ जहाँ आपने मतलब पार्सल पहुँचाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो लेटर्स होते हैं वो अलग शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं कि ग्वालियर ये वाले लेटर्स जाने हैं और भोपाल ये वाले लेटर्स जाने, अलग अलग सिटीज़ के अकॉर्डिंग कर देते हैं। ओके, और पार्सल्स और मनी ऑर्डर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ डिलीवरी, अपने रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ डिलीवरी के अकॉर्डिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट है देन देयर आर सेवरल काउंटर्स फॉर पब्लिक ऑन कैन परचेज स्टैम्प सेंड टेलीग्राम्स एंड रजिस्टर लेटर। पोस्ट ऑफिस के अंदर ही आपने देखोगे बहुत सारे काउंटर्स होती हैं, जो एक पे परचेज स्टैम्प परचेज कर सकते हैं, एक पे टेलीग्राम सेंड कर सकते हैं, एक पर लेटर रजिस्टर्ड करा सकते हैं एंड डिपॉजिट मनी इन सेविंग अकाउंट एट दिस काउंटर। और एक काउंटर पे क्या कर सकते हैं, अपने मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं। द पोस्ट ऑफिस इज सर्वाइज्ड बाय अ पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका हेड कौन होता है, पोस्ट मास्टर। उसको कौन सुपरवाइज करता है, पोस्ट मास्टर। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो थर्ड है हमारा द पुलिस स्टेशन। अब हम पढ़ेंगे पुलिस स्टेशन के बारे में। द पुलिस वर्क फॉर द गवर्नमेंट टू कीप लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। तो जो पुलिस होती है वो गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर्स को कंट्री में फॉलो करवाती है। दे ऑल्सो कैच क्राइम क्रिमिनल्स, वो के दोषियों को पकड़ती है, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ती है। दिस टास्क आर कैरिड आउट बाय द पुलिस फॉर अ पुलिस स्टेशन। जो ये टास्क कौन करता है, पुलिस करती है। कहाँ से करती है, पुलिस स्टेशन से करती है। आपने देखा होगा ना, पुलिस स्टेशन देखे होंगे ना, वहाँ पर कौन रहता है, वहाँ पर पुलिस रहती है। वो अपना काम करती है, वहाँ से वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है। ईच पुलिस स्टेशन बिल्डिंग हैज एन ऑफिस फॉर स्टेशन इन चार्ज। हर पुलिस स्टेशन पे एक ऑफिसर होता है, एक पर्सन होता है, उसे कौन बोलते हैं, स्टेशन इन चार्ज, वो हेड होता है वहाँ का। देयर इज अनदर ऑफिस वेयर द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक लॉग इन देयर रिपोर्ट। वहाँ पे क्या होता है, और मतलब और होते हैं ऑफिस में, और मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। देन इट हैज सेल और ब्लॉक अप वेयर द ऑफेंस और एक्यूज्ड आर कीप्ड। और यहाँ पे सेल्स होते हैं, आपने देखा होगा जेल होती है, वहाँ पे किसको पकड़ा के रखा जाता है, वहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है जो कुछ गलती कर देते हैं। एवरी पुलिस स्टेशन हैज इनफ ओपन स्पेस वेयर इम्पॉन्टेड एंड रिकवर व्हीकल्स आर पार्क्ड। हर पुलिस स्टेशन में एक इनफ स्पेस होता है जहाँ पे इन पकड़े हुए व्हीकल्स और जो रिकवर किए हुए व्हीकल्स होते हैं उनको रखा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है द पुलिस स्टेशन इज द प्लेस वेयर पीपल ऑफ दैट एरिया लॉग इन देयर कंप्लेंट नोन एज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, जिसे FIR बोलते हैं, रिगार्डिंग द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट देम। तो पुलिस स्टेशन कौन सी प्लेस है, जहां लोग अपनी कंप्लेंट लिखाते हैं, जिसको कंप्लेंट लिखाने को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR जिसे कहते हैं। ओके, वो किसके अगेंस्ट लिखवाते हैं, जो दोषी होता है, जो क्रिमिनल होता है, उनके अगेंस्ट वहाँ पर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट अरेंज पेट्रोलिंग ऑफ इट एरिया एट नाइट सो दैट द नाइट थीफ रॉबरी एंड नॉट नॉट कमिटेड। ये लोग जिस एरिया में ये पुलिस स्टेशन होता है, मतलब हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ की जो एरिया के पुलिस स्टेशन वाले क्या करते हैं, रात में उस पेट्रोलिंग करते हैं, उस जगह की रक्षा करते हैं जहाँ से, जिसलिए वहाँ पर रात में चोरी नहीं होती, डकैती नहीं डलेगी। ओके, थर्ड पॉइंट है इट ऑल्सो इंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रैफिक एंड बिजनेस इन इट एरिया। वहाँ पे वो जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ के मतलब क्या करते हैं, पुलिस लोग क्या करते हैं, जो ट्रैफिक है और जो बिजनेस एरिया उसको स्मूथ रनिंग करने की हेल्प करते हैं। लास्ट पॉइंट है इट ऑल्सो हैज़ टू कीप अ वॉच ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड एनकोर्समेंट बाय द स्ट्रीट हॉकर्स इन दैट एरिया। और वो पुलिस जो पुलिस है वो क्या करती है, पुलिस स्टेशन वाली जो पुलिस है वो क्या करती है, उस एरिया में सोशल एलिमेंट्स रखती है और क्या करती है, स्ट्रीट हॉकर्स लगाती है, जिससे ट्रैफिक अच्छे से रहे और वहाँ पर कुछ भी गलत काम ना हो। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्राम पंचायत, पंचायत घर बेटा, अब हम पढ़ेंगे द ग्राम पंचायत घर। ओके, तो द मेजोरिटी ऑफ अवर पीपल लिव इन विलेज। दो लोग जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। जो बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। ग्राम पंचायत आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग बेसिक सिविक फैसिलिटीज सच एस वाटर एंड ड्रेन इन विलेज। तो जो ग्राम पंचायत गाँव में क्या बनती है, ग्राम पंचायत बनती है, लोगों की एक पंचायत बनती है, एक मतलब एक कमेटी बनती है जिसे क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। उन्हीं का काम होता है, उनकी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो ग्राम गाँव के लोग हैं उनको
उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। कैसी फैसिलिटीज़? वाटर की फैसिलिटीज़, ड्रेन की फैसिलिटीज़। ओके, ग्राम पंचायत परफॉर्म देयर वर्क फ्रॉम ग्राम पंचायत घर। जो ग्राम पंचायत होती है, जो लोग होते हैं, कमेटी होती है जो लोगों की, वो कहाँ से काम करती है? उनको भी तो एक ऑफिस चाहिए, उनको भी तो एक बिल्डिंग चाहिए। उनका बिल्डिंग का नाम क्या होता है? ग्राम पंचायत घर, वहाँ से वो अपना काम करते हैं। एवरी ग्राम पंचायत हैज़ अ प्रधान एंड अ प्रधान एंड फ्यू पंचायत सेविक टू कैरी आउट इज एवरी डे वर्क। हर ग्राम पंचायत में क्या होता है? एक प्रधान होता है, एक जो हेड होता है, उसके बाद एक उप प्रधान होता है, और कुछ पंचायत के लोग होते हैं जो डेली क्या करते हैं? अपना काम करते हैं, डेली अपनी सेवा देते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पंचायत घर। रोल, पंचायत घर का रोल पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है टू लुक आफ्टर द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनिंग पब्लिक वेल्स, टैंक्स एंड हैंड पंप्स। तो क्या है इसमें? सबसे पहले वो क्या करते हैं, ग्राम पंचायत घर से क्या हेल्प करते हैं लोगों की, कि देखते हैं कि जो पानी की सप्लाई मेंटेन है, अच्छे से हो रही है या नहीं, जो कुएं हैं वहाँ के वो अच्छे से हैं कि नहीं, जो टैंक और हैंड पंप्स वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड पॉइंट है टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन विलेज रोड एंड स्ट्रीट। वो जो गाँव की जो विलेज रोड है और जो स्ट्रीट है वो अच्छे से कंस्ट्रक्टेड है या नहीं, अच्छे से बनी हुई है या नहीं, टूटी फूटी तो नहीं है। थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड लाइट ऑन द रोड एंड स्ट्रीट। जो लाइट रोडों पे लाइट और स्ट्रीट है या नहीं, मतलब रोशनी है या नहीं, रात में रोशनी होने के लिए उसमें लाइट्स लगी है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो ग्राम पंचायत के लोग उस विलेज के जो लोग हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं बर्थ और डेथ का, उनके जन्म और उनके मरण का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू लुक आफ्टर विलेज सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। लोगों की साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखते हैं ग्राम पंचायत के लोग। टू होल्ड विलेज अफेयर, और जो होल्ड के विलेज के जो काम होते हैं, सारी जो समस्या वगैरह वो सब देखते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया ना ग्राम पंचायत के में क्या होता है? एक प्रधान होता है, एक उपप्रधान होता है। ये सब कहाँ से काम करते हैं? ये ग्राम पंचायत घर से काम करते हैं। कहाँ क्या काम करते हैं? गाँव में अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं लोगों को या नहीं। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट है द हेल्थ सेंटर, और लास्ट है ये हमारा द हेल्थ सेंटर। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ सेंटर्स आर प्लेस वेयर सिक पीपल आर पेशेंट और पेशेंट्स आर ट्रीटेड। तो हेल्थ सेंटर कहाँ है? क्या होता है हेल्थ सेंटर? वो होता है जहाँ बीमार लोग और पेशेंट को की देखभाल की जाती है। डॉक्टर एंड नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट एंड ट्राई टू मेक देम वेल। जो डॉक्टर और नर्सेज हैं पेशेंट्स को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से जल्दी से सही हो जाए। हेल्थ सेंटर्स ऑल्सो प्रोवाइड अस इम्यूशन एंड वैक्सीनेशन अगेन डिसीज सच एस ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, पोलियो। जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो जहाँ जो उनके पेशेंट्स होते हैं, जो पेशेंट होते हैं और जो वहाँ के जो सिक पीपल होते हैं, जैसे वो अलग 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 बीमारी से होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस है तो वो ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं, पोलियो है तो पोलियो की वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग चीज़ों की वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ सेंटर प्रमोट अवेयरनेस अमॉन्ग द मैसेज अबाउट द वेरियस इशू रिलेटेड टू हेल्थ। जो हेल्थ सेंटर वो लोगों को अवेयर करते हैं और उन्हें मतलब बताते हैं कि जो हेल्थ उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ बताते हैं, मतलब उन्हें बताते हैं कि आप कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं, कैसे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट है हेल्थ सेंटर प्रोवाइड मैटरनिटी सर्विस टू द वुमन फॉक इन दैट एरिया, इन देयर एरिया। और जो हेल्थ सेंटर होते हैं, जो मैटरनिटी लेडीज होती हैं, जो मैटरनिटी वुमेन्स होती हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं उस एरिया की, जो मैटरनिटी लेडीज होती हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हेल्थ सेंटर का काम क्या होता है? बीमार लोगों की देखभाल करना, पेशेंट्स जो होते हैं उनके पेशेंट होते हैं उनको देखभाल करना, उनको जल्दी से सही करना, उन्हें बीमारियों के बारे में बताना, उन्हें ये बताना कि कैसे वो सही हो सकते हैं, उन्हें उस बीमारी से उसकी बचने के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करना। ये सब क्या काम है? हेल्थ सेंटर का काम है, और ये हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग में ही होता है। ओके बेटा, ये चैप्टर हमने रीड कर चुका, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब है पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर हम पढ़ेंगे। वी हैव मैनी सर्विसेज बिल्डिंग अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी सर्विस बिल्डिंग्स हैं सच एज स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत, हेल्थ सेंटर। कौन कौन सी? पुलिस, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत एंड हेल्थ सेंटर्स। ओके, ऑल दिस बिल्डिंग्स कैरी आउट एक्टिविटीज विच इज़ वन वे और द अदर वे बेनिफिट द सोसाइटी। ये सारी ही बिल्डिंग और ये सारी ही बिल्डिंग में काम करने वाले लोग क्या करते हैं? कंट्री की सोसाइटी के लिए काम करते हैं और सोसाइटी के लिए बेनिफिट का काम करते हैं और सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर वन बिल्डिंग्स अराउंड अस SST का चैप्टर है ये बेटा। ओके, अब आपको होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।